आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। इसी का तुमसे कहा ना, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। पर क्यों? तुम? हाँ मैं। सपना देख रहे थे, शॉक्ड क्यों हो गए? हाँ सपना देख रहा था, बहुत ही प्यारा सा सपना। How sweet। बाकी का सपना ब्रेक के बाद देखना, खाना नीचे लग चुका है, चलो। सोना थोड़ी देर बैठना प्लीज। मैं तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाहता हूं, और प्रॉमिस करो कि तुम ना सिर्फ उसे सुनोगी पर उसे मानोगी भी। प्रॉमिस? ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। इलीश तुम आ गए? अरे इलीश कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है आज ना टूर पे जाने की बात हो रही थी, सुहाना ने आगरा सजेस्ट किया और छोटे मामा मान गए। इलीश सुना तुमने, हम सब टूर पे जा रहे हैं। सुपर्ब, फैंटास्टिक, वेरी गुड। पर इससे भी वेरी गुड न्यूज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, तुम बैठो यहाँ पे। अरे तुम्हारी सैलरी और बढ़ गई? अरे सैलरी बढ़ गई तो कंपनी ने गोद ले लिया मुझे, मेरी सैलरी बढ़ाते रहेंगे। अरे एक तो औकात से ज्यादा मिल रहा है मुझे। प्रमोशन है ना इलीश? थैंक गॉड, मुझे पता था इलीश जब तुम मन लगा के काम करोगे ना तो बहुत तरक्की करोगे। अब मैं कुछ बोलूं वो गहरा तुम्हारा? अरे मैं महक तनेजा को जानता हूँ। महक तनेजा? हाँ, तीन चार हफ्ते पहले वो फ्रंट पेज पे जो आई थी वो फिल्म स्टार के साथ, वही ना? अरे तुम उसे जानते हो? हाँ। कैसे? दिशा तुम्हें याद है मैं इंटरव्यू देने गया था, एक लड़की मुझसे टकराई थी। हाँ। फिर हम दोनों की फाइलें नीचे गिर गई, और फिर उसके बाद एक... उसके बाद? हाँ। अरे नहीं, फाइल एक्सचेंज हुई ना। हाँ। और फिर तुम उसे इंटरव्यू पे बहुत सारा ज्ञान देने बैठ गए थे, वही ना? परफेक्ट। अरे वही लड़की, वही तो है महक तनेजा। महक तनेजा इंटरव्यू देने क्यों आई थी? अरे इंटरव्यू देने नहीं आई थी वो। अरे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा है। तुम बैठो यहाँ पे। मैं कौन से ऑफिस में काम करता हूँ? अरे तनेजा बिल्डर्स के ऑफिस में ना। हाँ, लड़की का नाम क्या है? महक तनेजा। अरे वो तनेजा बिल्डर्स जो है ना उसकी मालकिन है महक तनेजा। अरे मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, मुझे लगा मेरा दिया हुआ ज्ञान चलो अच्छा है किसी के तो काम आया, किसी को तो नौकरी मिली, पर नहीं वो तो कंपनी की मालकिन निकली। हे भगवान इलीश, पूरा कमाला कर दिया तुमने, पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसे, गई ना नौकरी अब तुम्हारी। एक मिनट, क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो मुझे जानती नहीं है। हाँ? उसने हाय हेलो तक नहीं किया। हाँ? अब कैसे करेगी हाय हेलो, इतने बड़े लोग हैं मुझे कहाँ से याद रखेंगे। बड़े लोग? इलेश अब तुम मन लगा के काम करोगे ना तो तुम भी बहुत बड़े आदमी बनोगे देखना। तिशु तुम सच में ऐसा मानती हो? मुझे पूरा विश्वास है इलेश, पता है आज जब टूर पे जाने की बात हो रही थी ना तो पहली बार मुझे बहुत खुशी हुई, पता है क्यों? क्योंकि इस बार हम अपना शेयर खुद देंगे, है ना? पक्का। Hey!
नहीं चाहते हो ना कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? नहीं जाऊंगी ये घर छोड़ के। मुझे घर छोड़ के नहीं जाना है शाना। भाई! क्या है, क्या चाहिए तुझे? मुझे क्या चाहिए? कुछ कुछ नहीं चाहिए मुझे। खाना लग चुका है, आपका नीचे सब वेट कर रहे हैं। मुझे भूख नहीं है। क्यों भाई, खाना क्यों नहीं खाना? क्या ठूस कर आए हो जो पेट भरा हुआ है? पेट नहीं, दिल। मेरे दिल में अब जगह बची ही नहीं। क्या भाई, सब ठीक तो है ना? वो जो अभी आपने लाइन बोली, वो तो मेरे ऊपर से ही चली गई। भाई सुहाना भाभी, देखो ना, मैं ईशान भाई को कब से उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहे, और वो पता नहीं क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। और वो लाइन क्या थी? हाँ, मुझे भूख नहीं लगी है और मेरे दिल में जगह नहीं बची। मैंने कहा था तुझे। इसी का तुमसे कहा ना, मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। पर क्यों? तुम? हाँ मैं। सपना देख रहे थे, शॉक्ड क्यों हो गए? हाँ, सपना देख रहा था, बहुत ही प्यारा सा सपना। How sweet। बाकी का सपना ब्रेक के बाद देखना, खाना नीचे लग चुका है, चलो। सोना, थोड़ी देर बैठना प्लीज। मैं तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाहता हूँ, और प्रॉमिस करो कि तुम ना सिर्फ उसे सुनोगी पर उसे मानोगी भी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखो सोना, अब तुमने ये फैसला कर ही लिया है ना, तुम इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाओगी, हमेशा यहाँ रहोगी, है ना? हाँ ईशान, आगे बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? देखो सोना, अब तुम्हें इस घर के नियमों का पालन करना होगा। अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें अपने आप को एक बहुत ही अच्छी बहू प्रूव करना है। मतलब मैं अच्छी वाइफ नहीं हूं? आई मीन बहू, मैं अच्छी बहू नहीं हूं? नहीं, तुम हो, ठीक हो, तुम माँ और बड़ी माँ को देखो, रजनी भाभी, दिशा भाभी, ये सब कश्यप परिवार की बहुएं हैं, तुम्हें इनकी तरह बनना है, अपने आप को एक बहुत ही अच्छी बहू साबित करना है। अच्छी बहू बनने के लिए क्या करना पड़ता है? तुम इतना डर क्यों रही हो? रिलैक्स हो ना। अच्छा ठीक है, तुम जैसी हो वैसी ही रहो, वैसी ही ठीक हो, पर हाँ, अब कभी भी इस घर से जाने की बात कभी मत करना। वरना तुम भी बैठ के खा लो ना, सब तो है यहाँ पे। रौनक, तुम पहले खा लो ना, पन्ना भी खा लेगी, खाना यही है, कहीं नहीं जाएगा।
हाँ रौनक, मैं तुम्हें सर्व कर देती हूँ। बैठो, मैं खुद सर्व कर लूंगा। जहां से पन्ना आई है ना, उस घर में पहले जेंट्स खाना खाते हैं और फिर लेडीज खाती हैं। भाई वाह, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? बहू, तुम्हारी सास को चावड़े बाजार की कोई बात तो पसंद आई। तुम्हें चावड़े बाजार की ये मिडिल क्लास बात अच्छी कैसे लगी? मम्मी जी, आप प्लीज चिकन। अरे हाँ, याद आया, मिसे शर्मा का फोन आया था। वो अपोलोजाइज कर रही थी कि वो नहीं आ सकी। दूसरों से सुनकर कह रही थी कि आपका घर बहुत ही अच्छा है। वो तो है मॉम, जितने भी गेस्ट हमारे घर पे आए थे ना, सब लोगों ने हमारी घर की बहुत तारीफ की, स्पेशली अरेंजमेंट्स और डेकोर की। यू नो मॉम, सुहाना को हमारा रूम बहुत अच्छा लगा। सुहाना में क्लास है, शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, वो तो हमारा टेस्ट समझेगी ना। हाँ, सुहाना की चॉइस बहुत अच्छी है। इतने बड़े घर से है, इतने बार अब्रॉड ट्रैवल कर चुकी है, उसे सब पता है। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि वो बेचारी तुम लोगों के चक्कर में कैसे फंस गई। तुम्हारे ईशान ने उसे क्या पट्टी पढ़ाई थी? मॉम, आप जानती हैं कि ईशान और सुहाना की लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज हुई थी। ये लोग रिश्ता लेकर वहां पर नहीं गए थे, सुहाना के डैड खुद आए थे। कितने अच्छे नसीब है ना उनके। और एक हम है जिन्हें चावड़ी बसार वाली मिली है। डोंट माइंड पन्ना, हमारे रौनक को सुहाना जैसी लड़की मिलनी चाहिए थी। सुहाना में हमारे जैसे क्लास है, शी इज रिच। उसने एक पेंटिंग को देखते ही बता दिया, इट्स फ्रॉम इटली। अच्छा, और तुम्हारे केस में देखो, रौनक को हर बार बताना पड़ता है कि कौन सी चीज कहां की है। फॉर एग्जाम्पल, वो दीवार पर टंगा काला मास्क साउथ अफ्रीका से है। वो जो ब्लैक पेंटिंग है, दैट्स फ्रॉम इटली। तुम्हारे पीछे सेरामिक जार, ये रौनक, ये जार कहां से है बेटा? तुम्हें तो सिर्फ बकवास करनी आती है। मॉम, मॉम, रौनक, डैड, पन्ना, चिकन बहुत अच्छा बना है बेटा। एक्चुअली चिकन सच में टेस्टी है। ससुराल गेंदा फूल, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।